बलगम का मसला है, हल्का ठंडा पानी पिए तो बलगम आती है। बलगम मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो बलगम है इसका बेहतरीन इलाज लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। वल्ला ये जो फेफड़े हैं ना, जब हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, चलते हैं, ये 60-70% काम करते हैं। जब हम रुकू में जाते हैं तो 70-80% काम करते हैं, लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं तो ये 100% काम करते हैं। लंबा सजदा करो। ये जो मेरी किताब है नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने बताया लंबा सजदा करने के कितने फ़ायदे हैं। लंबा सजदा करो हर 2 घंटे के बाद। जिस भाई को बलगम आ रही है, जिस भाई को सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग, मेरे पास एक पेशेंट था उसको लंग्स फाइब्रोसिस था और डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज नहीं हो सकता। और वो औरत 62 साल की थी, वो एक खातून थी और वो अमेरिका से आए थे और वो अमेरिका से इलाज करवाते रहे और वो स्पेशल इलाज के लिए आए। मेरे मोहतरम भाइयों, वो बहन बताती है डॉक्टर साहब 2 महीने में मेरा ये जो लंग्स फाइब्रोसिस है अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हुआ है। सिर्फ सजदा, सिर्फ सजदा, सजदा करो, लंबा सजदा करो, पहला इलाज। दूसरे नंबर पे सजदे में जाके ना खांसो, टिश्यू पेपर साथ रखो, मुंह से जो बलगम निकले उसको टिश्यू से साफ करके डस्टबिन में डालते जाओ। और उसके अलावा एक कावा पियो, 2 कप पानी लो, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 कुतरियाँ लहसुन की, 2 इंच की 2 डंडियाँ दालचीनी की और इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कावा सुबह भी पियो, शाम भी पियो। इसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों, अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो और सुबह का खाना पेट भर के खाओ 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%।